तो चलिए शुरुआत बिग बुलेटिन के एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो इस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या है, दरअसल आपको बता दें पहलवान निशा की हत्या की खबर जो है वो गलत है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच पहलवान निशा बिल्कुल सही सलामत है, तो उनके फैंस को परेशान होने की जरूरत नहीं है। निशा ने खुद वीडियो जारी करके ये जानकारी दी है, वीडियो भी हम आप सबकी टीवी स्क्रीन पर वो दिखा रहे हैं। पहलवान निशा की हत्या की खबर सरासर गलत है, क्या कुछ कहा है इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं आपको। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फेक न्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फेक न्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो निशा ने अपने वीडियो के जरिए अपने फैंस को बिल्कुल स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि वो बिल्कुल सही सलामत हैं और वो इस वक्त गोंडा में हैं। आपको बता दें पहलवान निशा की हत्या की खबर सरासर गलत है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, पहलवान निशा बिल्कुल सही सलामत हैं और उन्होंने खुद वीडियो जारी करके इस बात की जानकारी दी है। निशा ने इस वीडियो के जरिए अपने फैंस को कहा कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और ये सारी खबर अफवाह है। खुद निशा सामने आई वीडियो के जरिए और वीडियो के जरिए यह मैसेज दिया कि वह बिल्कुल ठीक है, गोंडा में वो इस वक्त मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दे, निशा ने खुद वीडियो जारी करके इस बात की जानकारी दी है कि वह बिल्कुल सही सलामत हैं। दरअसल पहलवान निशा की हत्या की खबर को लेकर लगातार शाम से तमाम तरह की बातें हो रही थी और इसी बीच पहलवान निशा ने वीडियो के जरिए यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो ठीक है, गोंडा में इस वक्त वो मौजूद हैं और वो बिल्कुल सकुशल हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, पहलवान निशा की हत्या की खबर सरासर गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर राष्ट्रीय स्तर की महिला कुश्ती पहलवान निशा दहिया को लेकर सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर फैली जिसके बाद सनसनी फैल गई। खबर निशा दहिया की हत्या को लेकर थी, जिसके बाद निशा दहिया सोशल मीडिया पर सामने आई और एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी हत्या को लेकर फैल रही अफवाह को सिरे से खारिज कर दिया। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर की महिला कुश्ती पहलवान निशा दहिया पूरी तरह से सुरक्षित है और इन दिनों वो उत्तर प्रदेश के गोंडा में है। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फेक न्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फेक न्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फेक न्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो पहलवान निशा ने इस पूरी खबर का खंडन किया है, उन्होंने कहा है कि वो इस वक्त उत्तर प्रदेश के गोंडा में है और वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जो अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है निशा दहिया की हत्या को लेकर, वो अफवाह महज अफवाह तक ही सीमित है। ये बात निशा दहिया ने खुद वीडियो जारी करके बताई है। सोनीपत से हमारे सहयोगी राम सिंह मार जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। राम, निशा के तमाम फैंस के लिए यह राहत भरी खबर है, क्योंकि एक अफवाह जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही थी, खुद निशा ने उस खबर का, उस अफवाह का खंडन किया है। मैं चाहूंगा विस्तार से आप बताएं, एक खबर कैसे अफवाह तक पहुंच गई। देखिए, जिस प्रकार से वैभव, एक सोनीपत के हलालपुर में एक निशा नाम की एक लड़की की हत्या की गई, उसके बाद उसके भाई की हत्या हुई, उसके बाद माँ को बुलाया गया और माँ पर भी जो है तेज धार, माँ पर भी गोलियों से बरसात की गई, और जहाँ माँ के हालात जो है सीरियस होने की वजह से उसको वहां पर रेफर कर दिया गया। लेकिन सेम नाम होने से काफी लोगों को न केवल परेशानी हुई और न केवल एक वायरल जो झूठी खबर जो है वो वायरल हुई, और इसकी पुष्टि करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और सीधे तौर पर हमने इसकी पूरी तह तक इसकी इन्वेस्टिगेशन करी। तो और दूसरी तरफ से निशा की तरफ से भी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसने भी अपना वीडियो को जारी कर जो है न्यूज का जो है फेक न्यूज का खंडन किया है। सीधे तौर पर सिमिलर नेम होने की वजह से लोगों को इस प्रकार की कंफ्यूजन हुई, और सीधे तौर पर जो समस्या लोगों के सामने आ रही है फिलहाल की अगर बात करें तो निशा सिमिलर नेम होने की वजह से इस प्रकार की अफवाह जो है वो फैली। और फिलहाल अगर बात करें तो सोनीपत के हलालपुर का एक मामला है, हलालपुर में 3 साल से एकेडमी में प्रैक्टिस कर रही थी, और इसी गांव का इसका भाई, और इसी गांव में ये एकेडमी चल रही थी, और इसी गांव में जो आरोपी है
वो उसकी शादी हो रखी थी और यहाँ पर पूरा का पूरा जो प्रकरण है उसको अंजाम दिया गया। हालांकि पूरा मामला जो है एक विस्तृत हत्याकांड के रूप में जा पहुंचा है, क्योंकि अगर बात करें एक ही परिवार के तीन लोगों पर दो लोगों की मौके पर मौत हो गई है, उसकी मां की हालत काफी गंभीर है। राम लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं, निशा के परिजन है। दीपक, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर अफवाह की तरह किस तरह से फैली आपको पता होगा, खुद निशा को सामने आना पड़ता है, वीडियो जारी करना पड़ता है। मैं चाहूंगा आप ये विस्तार से बताएं कैसे महज एक खबर अफवाह बन गई और जिसके चलते निशा खुद सामने आई। सर, वो जो निशा है वो दूसरी कोई निशा है, ठीक है। ये हमारी जो मेरी सिस्टर थी एक्सपायर हो चुकी है। अच्छा, निशा इस वक्त कहां पे है दीपक? दीपक, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो, क्योंकि पूरा प्रदेश आपको सुनना चाह रहा है। निशा इस वक्त कहां है? हालांकि वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में है, एक चैंपियनशिप खेलने गई हैं। आप बताएं वो कहां है इस वक्त। चलिए, हमारा संपर्क टूट चुका है दीपक से। राम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राम, अपनी बात पूरी करिएगा, फिर मैं अगला सवाल आपसे लूंगा। और यह ट्वीट आपको बता दें, हरियाणा से, सोनीपत में एक पहलवान और उसके भाई की गोली मारकर हत्या हुई, गोली लगने से उसकी मां अस्पताल में भर्ती है। सोनीपत के एसपी ने बताया ये निशा दहिया मृतक और पद विजेता पहलवान निशा दहिया दो अलग अलग लोग हैं। पदक विजेता पहलवान पानीपत से संबंधित हैं और वो अभी एक कार्यक्रम में हैं। ये ट्वीट किया गया है एसपी की तरफ से, स्पष्टीकरण बताया गया है। सोनीपत के एसपी ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि नाम की वजह से यह पूरा कंफ्यूजन था, जिसके चलते यह अफवाह फैली। हालांकि निशा दहिया उत्तर प्रदेश के गोंडा में है, उन्होंने खुद वीडियो जारी करके इस बात का स्पष्टीकरण किया है। यह ट्वीट आपको बता दें, सोनीपत के एसपी ने यह ट्वीट किया है। पढ़ के मैं एक बार आपको बताऊंगा तो आप क्या बहुत आसानी से समझ सके इस ट्वीट का मतलब क्या है। सोनीपत के एसपी ने बताया कि ये निशा दहिया मृतक जो मरी हुई है और पदक विजेता पहलवान निशा दहिया दो अलग अलग लोग हैं। ध्यान रखिए, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। पदक विजेता पहलवान पानीपत से संबंधित हैं और वो अभी एक कार्यक्रम में हैं। जैसा कि निशा ने वीडियो के जरिए ये बताया कि वो इस वक्त उत्तर प्रदेश के गोंडा में मौजूद हैं और वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो ये ट्वीट आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सोनीपत के एसपी को इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण देना पड़ा, निशा को इस पूरे मामले में वीडियो जारी करके खुद बताना पड़ा अपने फैंस को कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अफवाह दरअसल कुछ यूं उड़ी कि निशा दहिया को लेकर उसकी हत्या हो गई। हालांकि जिस निशा दहिया की हत्या हुई है उसका भी नाम निशा दहिया है, जिसके चलते यह पूरी अफवाह फैली है। निशा खुद आई सामने, उन्होंने खंडन किया इन तमाम खबरों का। राम अपनी बात पूरी करेगा, फिर मैं आपसे अगला सवाल लूंगा। देखिए, जिस प्रकार से निशा के नाम के जो है अफवाह जो है वो उड़ी है, हालांकि निशा एक सेम नेम होने की वजह से लोगों को कंफ्यूजन जरूर हो रही है और सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से बुरी तरीके से वो वायरल हो रही है, तो लिहाजा सोनीपत के एसपी द्वारा भी ये बयान सामने आ गया है कि जो एक ही नाम की वो निशा है, लेकिन जो सोनीपत के हलालपुर में जो हत्याकांड हुआ है वह अलग निशा है। और निश्चित तौर पर निशा जो है एक खिलाड़ी जरूर है, रेसलिंग में अच्छा नाम वो कमा रही है, लेकिन जिस निशा को लेकर न्यूज वायरल हो रही है वह निशा किसी यूपी में किसी एक क्षेत्र में जो है कार्यक्रम में मौजूद है। लिहाजा सोनीपत में जिस प्रकार का हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड के बाद सोनीपत में केवल रहला है बल्कि जो रेसलर जगत के जो तमाम प्रेमी है उनके अंदर भी एक इस प्रकार की भावना जो है वो कहीं ना कहीं असंतोष पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि गांव के हालात थोड़े तनावपूर्ण जरूर है, मौके पर प्रशासन तमाम अमला जमला जो है वो मौजूद है, गांव के लोगों ने आक्रोशित होकर एकेडमी में आग भी लगा दी है। और दूसरे तौर पर अगर बात करें तो वहां पर फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई है, आग को काबू कर लिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से निशा को लेकर लोगों में कंफ्यूजन हो रही है, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि निशा सोनीपत में जो हत्याकांड हुआ है वह अलग निशा है, हालांकि रेसलिंग से जुड़ी हुई वो खिलाड़ी है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसने नाम किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसने नाम करने के बाद जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी उसे बधाई दी गई थी, ये अलग निशा है। निश्चित तौर पर दर्शकों को ये इस बार की हम जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कुछ चैनल्स द्वारा इस प्रकार की अफवाह तब उड़ी तो उसके बाद जो है चैनल्स पर खबर चली, लेकिन जनता टीवी ने सबसे पहले ऑथेंटिक किया और सबसे पहले खबर को एक पुख्ता। वो वीडियो जो निशा ने जारी किया वो वीडियो भी हमने दर्शकों तक दिखाया और बताया। राम लौटूंगा आपके पास, अब बात करते हैं उस निशा की जो एक महिला कुश्ती पहलवान थी और जिनकी हत्या सोनीपत के हलालपुर गांव में हुई है। इस जघन्य हत्याकांड में निशा के अलावा उसके भाई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। दरअसल अज्ञात बदमाशों ने दोनों भाई बहनों को गोलियों से छलनी कर दिया।
और घटना में दोनों की मौके पर मौत हो गई, जबकि घटना में निशा की मां को भी गोली लगी है और उनकी मां की हालत गंभीर है और उनका इलाज पीजीआई में चल रहा है। राम आप ही के पास आना चाहूंगा इस खबर को लेकर, हमने सुबह भी आपसे बातचीत की थी, क्या उन अज्ञात हमलावरों का कुछ अब तक सुराग लगा है, क्या वजह थी जिसके चलते इन लोगों ने भाई बहन की गोली मारकर हत्या कर दी और मां गंभीर रूप से घायल है? राम, एक बड़ा हत्याकांड माना जा रहा है क्योंकि एक ही परिवार के तीन सदस्यों पर वार होना और जहां मौके पर भाई बहन की मौत होना अपने आप में जो है क्राइम को अंकुश ना लगवाना एक प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। हालांकि क्राइम पर प्रशासन किस प्रकार से अंकुश करे एक बड़ी रणनीति जो है प्रशासन हमेशा करता रहा है और सोनीपत प्रशासन ने लगातार प्रयास भी करता रहे, लेकिन क्राइम कब कहां कैसे हो जाए इसका अनुमान कभी किसी को नहीं लगाया जा सकता। और लिहाजा जिस प्रकार का हत्याकांड सोनीपत में हुआ, नेता जो है पिछले तीन साल से गांव में सुशील कुमार की जो एकेडमी है ये अंतर्राष्ट्रीय पहलवान वो है या नहीं है किसी अन्य नाम से उसे संबंधित। राम राम राम, लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ मृतक निशा के भाई जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप बताएं क्या कुछ हुआ उस वक्त, कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और वजह क्या बनी? हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार, आपको पूरा प्रदेश सुन रहा है, मैं चाहूंगा आप विस्तार से बताएं इस हत्याकांड के पीछे की असल वजह क्या बनी और मुख्य आरोपी कौन है? सर, मुख्य आरोपी कोच पवन कुमार और उनके दोनों साले और चार अन्य पहलवान। वजह क्या बनी, क्यों इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया गया? वजह तो सर वही बताएंगे ना, क्यों कोई पुरानी रंजिश या फिर कुछ ऐसा जिसके चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? कोई रंजिश नहीं सर, छोटे छोटे तो बच्चे हैं, एक लड़का जो गुड़िया है वो 19 साल की थी, जो भाई था छोटा वो 18 साल का, तो उनसे किसी की क्या दुश्मनी होगी ये बताओ। दीपक, आपने एक पहलवान का किसी का जिक्र किया है, मैं चाहूंगा विस्तार से एक बार फिर से दर्शकों को वो नाम बताएं जो इस हत्याकांड में संलिप्त है। संचालक अकेडमी संचालक पवन, अकेडमी संचालक पवन था उस, वो इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, उसके साथ उसके दोनों साले, उसके मिसिज और चार अन्य पहलवान। अच्छा दीपक, लौटूंगा आपके पास। हमारे सहयोगी राम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राम, एक अपडेट मैं आपसे ये लेना चाहूंगा क्योंकि नामजद जो FIR है वो शायद दर्ज कर ली गई है, जहां तक मैं सही हूं, क्योंकि जो दीपक हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो पूरे नाम बता रहे हैं जिन पर उनको शक है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है अभी तक? वैभव देखिए, अभी जो है पूरे मामले में पुलिस का कोई बयान जो है अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि मामला भी बड़ा है और कोई निर्दोष इसमें ना फंसे इसको लेकर पुलिस निश्चित तौर पर एक इन्वेस्टिगेशन जरूर करती है और लिहाजा यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कई घंटों से जारी है। पुलिस बारीकियां इकट्ठी कर रही है कि क्राइम से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं जिन्होंने पूरे हत्याकांड को जो अंजाम दिया है वो जल्दी गिरफ्त में आए, ताकि वो गिरफ्त से बाहर कहीं बाहर ना निकल जाए। इसलिए पुलिस जो है अभी बाइट या किसी प्रकार की जानकारी देने से बच रही है। लिहाजा अगर बात करें तो एक पूरा हत्या प्रकरण जो है, गांव में एकेडमी चलाते हैं ये पवन है और इसके गांव के ही ये सचिन है, उन पर आरोप जो है वो लगा है। हालांकि कुछ जिस प्रकार से अभी दीपक बता रहे थे कि अन्य जो उसके साले हैं वो तमाम लोग इसमें संलिप्त हैं, हालांकि पुलिस के अनुसार जो FIR दर्ज होगी या अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन में है। पुलिस की तरफ से अभी पूरा कोई भी बयान अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि खबर जब तक हमने कवर की जब तक कोई भी ऐसी सूचना जो है पुलिस द्वारा नहीं दी गई है। लेकिन जिस प्रकार से परिजनों के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, परिजन लगातार बातचीत जो है मीडिया के सामने रख रहे हैं और लिहाजा रखनी भी चाहिए, क्योंकि जिस परिवार के एक ही परिवार के तीन सदस्यों पर जो है वारदात हो और दो मौके पर मौत हो जाए और तीसरी उनकी माता जी, उनके परिजन जो है वो निश्चित तौर पर आहत होते ही है, और इतना बड़ा हत्याकांड जिसको अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि एक गुरु ने अपनी शिष्या को मौत के घाट उतार दिया, ये बड़े शर्म की बात है। ये आप देख राम राम राम, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को ये दिखा रहे हैं। तस्वीरें दरअसल आपको बता दें, जिस एकेडमी के कोच पवन पर हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप लगा है उसकी एकेडमी को गुस्साए ग्रामीणों ने आग के हवाले कर दिया है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पूरे
गांव के अंदर गुस्सा इतना ज्यादा क्योंकि इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी पवन, जिसको बताया जा रहा है जो फरार है इस वक्त, कुश्ती कोच पवन पर हत्या का आरोप है, जिसके चलते ग्रामीणों ने उसकी एकेडमी को आग के हवाले कर दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जनता टीवी आप तक पहुंचा रहा है इस पूरे जघन्य हत्याकांड की, जिसने सोनीपत के अंदर दहशत पैदा कर दी है। कोच एकेडमी का पवन, जिस पर हत्या का पूरा आरोप लगा है, मुख्य आरोपी बताया गया है, जिसको दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मृतक के भाई, वो भी साफ तौर पर नाम लेकर ये कह रहे हैं कि कोच पवन, एकेडमी के कोच जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, मुख्य आरोपी पवन जो इस वक्त पुलिस की पकड़ से बाहर है, और जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पवन की इस एकेडमी को आग के हवाले कर दिया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खबर से एक बार आपको और अपडेट करा देते हैं। दरअसल सोनीपत के अंदर तीन लोग, बेटी, उसका भाई और मां, जिस पर गोलियों से हमला किया गया, बेटी और उसके भाई की मौके पर मौत हो जाती है, मां को गोली लगती है, वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका पीजीआई में इलाज चल रहा है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने, गुस्साए ग्रामीणों ने इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य आरोपी पवन, जिस पर पूरे इस घटनाक्रम को अंजाम देने के आरोप लग रहे हैं, उसकी एकेडमी में आग लगा दी गई। चलिए राम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। लगातार आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, एक एक अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। दीपक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।